नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ छवि। आइए रुक करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। महानिरीक्षक हिसार मंडल राकेश कुमार आर्य की ओर से जिला फतेहाबाद में नशा मुक्ति को लेकर शुरू किए गए ड्रग एवं हिंसा मुक्त मेरा गांव मेरी शान अभियान की प्रगति की समीक्षा को लेकर आईजी कार्यालय से टीम द्वारा समय समय पर गांव का निरीक्षण कर लोगों का फीडबैक लिया जा रहा है। फतेहाबाद जिला पुलिस अधीक्षक सुरेंद्र सिंह भूरिया के दिशा निर्देशानुसार पुलिस की विशेष टीम इन गाँवों में लोगों को नशे के खिलाफ जागरूक करने के साथ साथ युवाओं को नशा छुड़वाने में मदद कर रही है। आईजी कार्यालय से आज भी एक टीम ने नोडल अधिकारी एवं यूएनओ से सम्मानित सज्जन कुमार के नेतृत्व में गांव रत्ताखेड़ा का दौरा किया और गांव की गलियों का पैदल भ्रमण कर इस दिशा में किए जा रहे कार्यों की समीक्षा की। टीम ने इन गांवों में लोगों से बातचीत कर ड्रग एवं हिंसा की समस्या के बारे में जानकारी ली। इस दौरान जहां से इस अभियान के सकारात्मक परिणाम देखने को मिले तो वहीं ग्रामीणों ने भी पुलिस की इस पहल को सराहते हुए आगे भी सहयोग जारी रखने का आश्वासन दिया। गाँव में लोगों को जागरूक करने के लिए बड़े बैनरों के साथ साथ पंपलेट भी लगाए गए हैं। रतिया से हमारे संवाददाता रवि गोयल की रिपोर्ट। हाँ जी, आज हमारे गांव में आईजी साहब की टीम, आईजी साहब के पीआरओ श्री सज्जन कुमार जी के नेतृत्व में दिन के 12 बजे गांव की चौपाल में पहुंची। उनके साथ एसपी साहब के पीआरओ भीम सिंह जी व सुंदरलाल जी की टीम भी पहुंची। पिछले लगभग 95-96 दिनों से गांव में कमेटी बनी थी और लगातार ठीकरी पहरा लग रहा है चिट्टे नशे के खिलाफ, और जिसके सकारात्मक परिणाम मिले हैं। तो आज जो टीम पहुंची थी उनका मुख्य उद्देश्य इन 95 दिनों का समीक्षा करना कि कोई कहीं पे कोई कमी है तो उसके बारे में उन्होंने जाना, और उन्होंने विश्वास दिलाया कि आगे भी जो तस्कर कुछ बचे हुए हैं गांव में उनके ऊपर स्पेशल रेड मारी जाएगी और पुलिस की विशेष गश्त भी गांव में बढ़ाई जाएगी, और ज़रूरत पड़ने पर जो टीम पहरा लगाती है उनके साथ भी पुलिस रहेगी ताकि वो बाहर के जो तत्व आते हैं या गांव से कोई तस्करी करने की कोशिश करता है तो उसको पकड़ा जा सके और उस पर लगाम लगाई जा सके। गाँव के मौजूद लोगों ने भी इस बारे में पीआरओ साहब को अपनी अनुभव बताए और इसका कितना परिणाम सकारात्मक गांव में पहुंचा है उसके बारे में भी विशेष तौर पर बताया। धन्यवाद जी। हमारे फेसबुक पेज को लाइक, फॉलो और शेयर करें, साथ ही यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ताज़ा खबरों के लिए बेल आइकॉन को दबाना न भूलें।